हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न जो 2018 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, साथ ही साथ हम उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आने वाली वन रक्षक और जेल प्रहरी की संयुक्त जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने अपलोड करते हैं। तो आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, वह मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1987 में की गई थी। उसका काम है कि जो मध्य प्रदेश में डिजास्टर होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको देखना, उनकी देखरेख करना, ये इनका इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ध्रुपद का आयोजन किया जाता है। आप बता सकते हैं कि ध्रुपद जो गायन है इसका संबंध किससे था? तो ध्रुपद गायन का संबंध था तानसेन से संबंधित। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? ध्रुपद गायन से संबंधित थे। और तानसेन समारोह की बात करें, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो उस विश्व विरासत स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये जो विश्व विरासत है, ये रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए थे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है। इंडिया गेट, ये दिल्ली में होता है, ये आपको पता होगा। अगर विश्व यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में जो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है उनका नाम बताएं, तो आपको याद रख लेना है कि यूनेस्को में जो 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए थे, वे थे खजुराहो के मंदिर, है ना। फिर 1989 की बात करें तो 1989 में सांची के स्तूपों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और वर्ष 2003 में बात करें तो वर्ष 2003 में भीम बैठिका की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो जो शुभंकर जिस अभ्यारण्य ने जारी किया था उसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। और इसका जो शुभंकर है इसका नाम क्या है? भूरसिंह द बारह सिंगा इसके शुभंकर का नाम है। और ऐसा करने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व पहला वन्य जीव रिजर्व बन गया है, इसको आप याद रख सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्र उद्यान की बात करें तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में इसका फैला हुआ क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना क्या है? उस योजना का नाम बताना है जो गरीब परिवारों के लिए बिजली में सब्सिडी देने के लिए 2018 में शुरू की गई थी, तो उसका नाम था क्या? संबल योजना। क्या नाम था उसका? संबल योजना, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। कहाँ पर अपनाया गया था? तो ये कराची में अपनाया गया था कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2018 में अंजोली सीमा मेमन को इसमें सम्मानित किया गया था। अंजोली इला मेनन को मध्य प्रदेश के 2018 कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो किसका है यह? बहाई जो समुदाय है इसका पवित्र स्थल है क्या? कमल मंदिर या लोटस टेम्पल। अगला क्वेश्चन, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? तो दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म या फिर एल्गी फॉसिल कहाँ पर खोजा गया था? तो ये चित्रकूट में खोजा गया था, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं राज्य आनंद संस्थान के प्रमुख। अगला क्वेश्चन, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो दीप से दीप जले के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो मुद्रा स्फीति इसका लक्ष्य है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई अपनी रेपो रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है, और जिससे क्या है, इन्फ्लेशन पर जो कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिस्टर ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप बता सकते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और मिसाइल वू मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो इसको आप बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसको आप लिख दें। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, और यह अंडमान और निकोबार पर ये स्थित है, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार पर एक राष्ट्र उद्यान है जिसका नाम है साउथ वटन नेशनल पार्क, या फिर इसको महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो भारत के हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और आप बता सकते हैं आधुनिक इतिहास की एक घटना जो 1948 में हुई थी, जो हैदराबाद से संबंधित है। इस 1948 में हैदराबाद में जो निजाम थे, जो वहां के शासक थे, उनको निकालने के लिए हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, उनको वहां से हटाने के लिए, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो आपको बताना है कि बाणसागर जो बांध परियोजना है, डैम प्रोजेक्ट है बाणसागर, इसमें कौन सा राज्य नहीं है? ये तो मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है, ये आपको पता है। इसमें बिहार शामिल है और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज बना है हुगली नदी पर, और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि हुगली की नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और हुगली नदी में ही भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू की गई है? कहाँ पर शुरू की गई है, ये आप बता सकते हैं, हुगली नदी पर ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन खालिस्तान को शुरू किया गया था, तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 को शुरू किया गया था, इसको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं
युक्त आश्रय प्रदान करना है। तो जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसके तहत भारत में चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान किए गए थे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आई होप जो हमने आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है ये आपको ठीक लगे होंगे। इसी तरीके से हम साइंस, हिंदी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी लेकर के आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैथ्स की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको जरूर बेनिफिट होगा। हाँ, लेवल इंक्रीज होके आएगा मैं मानता हूँ, लेकिन अभी हम पुराने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब आपसे जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।